अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही तरीके से आपको तंदूरी शीरमाल सिखाएंगे, आलू चिकन तंदूरी शीरमाल। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इस तरीके से बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध डाल देंगे। एक कप हमने दूध लिया है, नीम गरम। एक कप का। और अब हम इसमें ईस्ट डाल देंगे। एक चम्मच, दो चम्मच, दो चम्मच हमने इसमें ईस्ट डाल दिया है। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे, दो चम्मच। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि चीनी इसमें हल हो जाए। और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, हल हो चुकी है इसमें। और अब हम इसमें मैदा डालेंगे। फिर हम इसमें एक कप डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जितने मैदे की ज़रूरत होगी हम इसमें उतना ही डालेंगे। एक कप और मैदा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें एक कप और मैदा डाल देंगे। हमने आधा कप डाल दिया है, आधा कप और डाल देंगे। हमने इसमें तकरीबन तीन कप मैदा डाला है। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने इसमें आधा चम्मच ही नमक डाल दिया है। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा और मैदा डाल देंगे, एक कप और मैदा डालेंगे। आधा कप डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे पहले। इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने इसमें टोटल कप्स मैदे के चार डाले हैं। इसको हम अच्छी तरह गूंथ लेंगे। इस तरह इसको अच्छी तरह भून देंगे। थोड़ा सा हम इसमें और मैदा डाल देंगे, आधा कप। और हमने इसमें 4.5 कप मैदा डाला है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसमें आधा कप डालेंगे। और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह गूंथ लिया है। और अब हम इसको एयर टाइट जार में रख देंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए। तो चलिए हम इसको रख दें 2 घंटों के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे। तो
तो यहाँ पर हमने इसका ढक्कन लगा दिया है और डो अभी रेडी है। तो अब हम इसको निकाल देंगे। पहले हम यहाँ पर मैदा डस्ट कर देंगे, चार लेंगे इस तरह। और अब हम इस पे एक रोटी रख देंगे। इस तरह हम रख देंगे, इस तरह बना लेंगे, अपने इस तरह बना लिए। और हमने आलू को भी बॉईल कर लिया है। इस तरह हम सारी बना लेंगे। और हमने आलू को भी बॉईल कर लिया है। हमने तकरीबन दो आलू लिए थे, हमने उसको बॉईल कर लिया है, हमने इसको मैश भी कर लिया है और हमने चिकन को भी बॉईल कर लिया है। और चिकन को हमने रशे रशे कर लिया है। तकरीबन हमने एक कप चिकन लिया है। इस तरह हम सारे रोटियां बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेड़े बना लिए थे और हमने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये अब रेडी है। तो अब हम इसमें आलू और चिकन को बंद करेंगे। तो हम इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को मैश कर लिया है अच्छी तरह। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे, आधा से थोड़ा सा कम। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। गरम मसाला आधा चम्मच। काला जीरा, काली मिर्च सॉरी आधा चम्मच। और अब हम इन सब मसालों की तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम इसको मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें चिकन भी डाल देंगे इसके साथ एक कप। हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। हमने इसको पीस लिया है हाथों में, आधा चम्मच है। इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको इसमें बंद करेंगे। शीरमाल में हम आलू और चिकन को बंद करेंगे। इस तरह हम डाल देंगे। पहले इसको थोड़ा सा फैला देंगे और इसको इस तरह डाल देंगे। इस तरह इस तरह इसको बंद कर लेंगे। इस तरह इसको भी इस तरह फैला देंगे। और इसमें भी आलू और चिकन लगा देंगे और इसको भी उस तरह बंद कर लेंगे। आप खालिस चिकन की भी बना सकते हैं और खालिस आलू की भी। और आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं चिकन के साथ, और चिकन के बगैर भी चीज़ डाल सकते हैं आलू के साथ, वो भी इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है।
इस तरह हम सारे बना लेंगे। हमने तीन टुकड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों के अंदर आलू और चिकन बंद कर लिया है और अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। इस तरह हम इसको बेल लेंगे। इस तरह हम सारों को बेल लेंगे। इस तरह हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर हम अब हम इसमें इस तरह डिज़ाइन बना लेंगे नाइफ की मदद से। इस तरह दूसरी साइड से भी इस तरह बना लेंगे। और अब हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे। ब्रश की वजह से हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी भी लगा देंगे। इस तरह यहाँ पर हमने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दी है और अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा देंगे इस तरह। और इसको हम तंदूर में लगा देंगे। तो चलिए तंदूर की तरफ चलते हैं। इस तरह हम सारे बना लेंगे। यहाँ पर हमने तंदूर में रोटी लगा दी है और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको इसमें पकाएंगे। हम इस तरह हम सारे लगा देंगे और इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने शीरमान निकाल दिए है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इस तरीके से बना है। माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुका है और अब हम इस तरह सारे निकाल देंगे। सारे अच्छी तरह पक चुके हैं, ये देखिए। तो हम सारे निकालते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे सारे शीरमाल पक चुके हैं और ये शीरमाल आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते के टाइम भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कितना सॉफ्ट है आप चेक करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही तरीके से बनाए। तो ये आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है, ये वाले शीरमाल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।